नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फतेहपुर जिले में अपराध एवं अपराधियों पर पुलिस शिकंजा कसने में जुटी हुई है। 13 ललौली थाना क्षेत्र के कोरा कनक मोरम खदान रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश अंतर जनपदीय चोर गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ अलग अलग जनपदों में दर्जनों संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस काफी वक्त से इन बदमाशों की फिराक में थी। ललौली थाने की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बदमाश बोलेरो गाड़ी से कहीं जाने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कोर्रा कनक रोड पर अभियुक्तों को पकड़ लिया। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से पुलिस ने अवैध तमंचे और ढेर सारी कारतूस भी बरामद की है। साथ ही बोलेरो से चोरी की 3 बकरियां भी मिली हुई है। फिलहाल पुलिस अब इन अभियुक्तों से सख्ती के साथ पूछताछ करने में जुटी हुई है। हरिओम दिवाकर की रिपोर्ट। थाना ललौली क्षेत्र में ललौली पुलिस और स्वाट टीम से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 बदमाश मुफीद और शहबाज के घायल हुए हैं, शातिर अपराधी हैं। इनसे एक बुलेरो गाड़ी मिली है, उसमें 3-4 बकरियां भी हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से चोरी करके ला रहे थे। 2 तमंचे, ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पैर में गोली लगी है, इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके साथ ही 2 और थे जो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके फरार हो गए हैं। कॉम्बिंग की जा रही है। 2 साथी और इनके थे जो बाइक पे थे, वो निकल गए हैं, इनके पीछे आ रहे थे। पूरे जनपद में चेकिंग कराई जा रही है। ये अंतर जनपदी चोरों का गिरोह है। हमीरपुर में भी इन्होंने घटनाएं की हैं, यहाँ फतेहपुर में भी, ललौली से, थरियाओं से, बकेवर से, कई जगह से वांटेड हैं। ढेर सारे इन पर मुकदमे हैं। पुलिस के द्वारा अच्छा वर्क किया गया है। 25,000 रुपये का मैं इनाम भी इनको घोषित करता हूँ। निश्चित तौर पे हम बदमाशों को पकड़ने के लिए कृतसंकल्प हैं और इसी प्रक्रिया में आज ये गुड वर्क हुआ है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।